तो इस समय वर्तमान में विधानसभा चुनाव कई एक राज्यों में होने वाले हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण कर्मचारी के लिए काम है वो ईवीएम से संबंधित है। बकाया वो सभी कार्य कर लेता है लेकिन ईवीएम को जोड़ना, उसका संचालन करना और उसका क्लोजिंग करना, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किस मशीन को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो वो सभी देखेंगे पॉइंट वाइज। और ये जो आपको कॉपी है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला काम होगा वो होगा सर्वप्रथम बीयू की लीड को वीवी पैट में जोड़ना है। तो बीयू जो है वैलिड यूनिट है, उसकी लीड जो केबल होगी और बहुत ही आसानी से आप जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो जोड़ने वाला स्विच होता है बहुत ही आसान तरीका का होता है, कलर मैच करना है बस आपको और जोड़ देना है। तो वीवी पैट से जोड़ना है, उसके बाद में जो वीवी पैट का लीड है उसको सीयू में, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है जो पीठासीन अधिकारी के पास रहेगा जहाँ से बैलेट इशू किया जाएगा उसमें जोड़ना होगा। उसके बाद वो वीवी पैट के पीछे का बटन ऑन करेंगे, यानी कि ये आपको ट्रांसफॉर्म मोड में ऐसा मिलेगा लेकिन जब ये सभी मशीनें जुड़ जाएंगी उसके बाद वो वीवी पैट की मशीन को जो पीछे एक नोब होता है उसको आप ऐसा खड़ा कर देंगे। उसके बाद में सी यू को ऑन करेंगे जो कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद में उसको आप ऑन करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसमें पाँचवा वो ये होगा कि सी यू को ऑन करते ही सी यू की डिस्प्ले पर 14 सूचनार्थ प्रदर्शित होंगी, 14 सूचनाएं बारी बारी से होंगी और वी वी पैट में 7 पर्चियाँ गिरेंगी। इसे आप नोट करिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, 7 पर्चियाँ उसमें गिरेंगी वी वी पैट में, क्योंकि वी वी पैट जो मशीन है वो एक तरीका का प्रिंटर है। आगे देखते हैं 6 नंबर जो पॉइंट इसमें आएगा। अब मॉक पोल करेंगे, तो ये इतना काम करने के बाद हम मॉक पोल शुरू करेंगे और मॉक पोल सर्वप्रथम सी यू को क्लियर करेंगे, जो कंट्रोल यूनिट है जो पीठासीन अधिकारी के डेस्क पर रहता है उसको आप क्लियर करेंगे, सबसे पहला ये काम करेंगे। उसके बाद में बटन दबाकर एजेंटों को बताएंगे कि मशीन बिल्कुल खाली है। जब क्लियर आप दबा देंगे तो वहाँ पर 00 बैलेट वोट आ जाएंगे सभी के, यानी कि मशीन क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी यदि उसमें पहले से कोई वोट है तो। इतना काम आप करेंगे, उसके बाद में जो वहाँ पर एजेंट उपलब्ध होंगे उनसे आप मतदान करवाएंगे, यानी कि जो मॉक पोल होगी उसमें करवाएंगे और लगभग जो भी कैंडिडेट्स उसमें हैं सभी में मतदान करवाना है, सभी में वोट डलवाना है और ये जो कम से कम क्षमता है वो 50 वोट आपको पड़वाने हैं। तो इसके बाद में क्या होगा, अब बैलेट नंबर एक, बैलेट इशू कर नंबर एक कैंडिडेट को वोट देंगे, वी वी पैट में नंबर एक के कैंडिडेट की पर्ची दिखाई देकर नीचे गिर जाएगी। इसके बाद में बैलेट इशू करेंगे और दूसरे जो कैंडिडेट है उसको वोट देंगे, इसी क्रम में 50 या उससे ज़्यादा भी आप वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 50 बताया गया तो आप 50 ही कर लो तब भी पर्याप्त है। इसके बाद में टोटल बटन दबाकर कुल डाले गए वोट दिखेंगे, जब आप टोटल बटन दबाएंगे तो इससे पूरा दिखेगा, क्या दिखेगा, ऐसे ये दिखेगा कि कितने वोट कुल पड़े। इसके बाद में आप क्लोज बटन दबाइएगा, तो जब क्लोज बटन दबाएंगे तो मशीन क्लोज हो जाएगी। इसके बाद में आपको रिजल्ट बटन दबाकर इसको रिजल्ट दिखाएंगे, जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो एक एक कैंडिडेट के सामने, किस कैंडिडेट के सामने कितने वोट पड़े हैं ये आपको शो होगा और मॉक पोल के दौरान जो आपने इसे नोट किया है किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं तो वो सभी इसमें शो होंगे। तो ये जब काम हो जाएगा उसके बाद में आप वीवी पैट से सभी पर्चियां निकाल कर एजेंटों को गिनाएंगे कि 50 आपने वोट जो मॉक पोल में करवाए और 7 पर्चियां पहले से जो कट की गई हैं, इस प्रकार से 57 पर्चियां होनी चाहिए, या फिर 50 से ज़्यादा आपने वोट किए करवाए हैं मॉक पोल में तो ऐड होंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, सभी पर्चियों को मॉक पोल की सील लगाकर काले लिफाफे में रखकर प्लास्टिक बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील कर देंगे। तो एक जो बॉक्स मिलेगा और एक काले रंग का लिफाफा मिलेगा, उस काले रंग के लिफाफे में वो सभी पर्चियाँ रखेंगे और बॉक्स में रखेंगे, उसके बाद में बॉक्स के ऊपर पिंक पेपर सील लगा देंगे और उस पेपर सील पर आप एजेंटों के भी साइन ले लीजिएगा। इतना काम आप वहाँ पर कर लें। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये काम करना है कि सी यू का बटन, क्लियर बटन दबाकर मशीन खाली कर दें। तो सबसे पहले सी यानी कि क्लोज वाला दबाएंगे, उसके बाद में रिजल्ट दबाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में क्लियर वाला सी दबाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस आप मॉक पोल के बाद पूरी करेंगे सीआरसी की। अब आपको क्या करना है कि जो सीयू है अब सीयू का स्विच ऑफ कर देंगे, जब ये सीआरसी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में सीयू का, तो यहाँ पर जो अब आगे की प्रोसेस होगी, जब आपका जो सीयू है कंट्रोल यूनिट है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, तो जैसे ही आपका स्विच ऑफ हो जाएगा उसके बाद में आपको वहाँ पर ग्रीन पेपर सील लेनी है और रिजल्ट व प्रिंट वाले पोर्शन में ग्रीन पेपर सील लगाएंगे, जो रिजल्ट है और प्रिंट वाला,
जो पोर्शन है उसमें ग्रीन पेपर सील को लगा देंगे, जो ब्लैक कलर का ढक्कन होता है उसके उसमें अंदर डाल के लगती है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, क्लोज पोर्शन पर स्पेशल टैग लगाकर सील करेंगे। जो क्लोज पोर्शन है उस पर स्पेशल एक टैग जो मिलता है उसमें इंफॉर्मेशन भरने के बाद में उस पर लगा के और उसे सील कर देना है। और सील मतलब किस हिसाब से करना है वो बटन आपको काम करती रहे इस प्रकार से, क्योंकि ऊपर से जो ढक्कन होता है उसके द्वारा हम दबा करके उसे क्लोज कर देंगे बाद में। इसके बाद में जो अब ढक्कन लगाकर स्ट्रिप सील ABCD वाली जो होगी वो उसको लगाएंगे, जैसे ढक्कन बंद कर देंगे उसके बाद अब इस पोर्शन को बाहर से धागा एड्रेस टैग द्वारा सील कर देंगे। जो धागा एड्रेस टैग मिलेगा उसके इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में उसे सील कर देंगे, और जहाँ भी कागज डॉक्यूमेंट्स लगाए आपने वहाँ पर आप वहाँ पर जो उपस्थित एजेंट हैं उनसे आप साइन करवा सकते हैं। इसके बाद में VVPAT का पर्ची वाला पोर्शन जो होगा उसमें धागा एड्रेस टैग लगाकर से सील कर देंगे। अब CU का स्विच ऑन करके मतदान प्रारंभ करेंगे। अब कंट्रोल यूनिट को आप स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे वैसे ही आपका मतदान के लिए मशीन रेडी हो जाएगी और अपने समय पर मतदान शुरू कर दें। मतदान समाप्ति पर CU का जो क्लोज बटन है, केवल बस आपको यही काम करना है, जो क्लोज बटन है उसे आप दबाएंगे। उसके बाद CU का जो स्विच ऑफ है पीछे वाला जो नॉब है उसको स्विच ऑफ कर देंगे, और जैसे ही आपकी मशीन हो जाएगी ऑफ उसके बाद में जो आप VVPAT का जो पीछे वाला काला सिरा है उसको आप जो खड़ा किया था उसको आप बेड़ा कर लेंगे, इस प्रकार से आड़ा लगा लेंगे आड़ा कर लेंगे और ये ट्रांसपोर्ट मोड में आ जाएगा। इसके बाद में लीड निकालकर सभी मशीनों को बॉक्स में रखकर सील कर लेंगे। बस ये इतना सा आपको काम करना है। तो पूरे मैंने ये प्रक्रिया आपको ये इस दौरान बता दी है कि किस प्रकार से आपको पूरा काम करना है। तो इसमें कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है कि मशीन में कोई आपको समस्या हो। तो इस प्रकार से ये पूरा काम आपको करना होगा।